NP24 न्यूज टीवी डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से। लूट और चोरी के कई मामलों में आरोपी वियोर सेंट्रल जेल के बाहर से तमिलनाडु पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को एक अदालत में पेशी के बाद वापस जेल ले जाया जा रहा था। केरल पुलिस ने शनिवार को कहा कि लूट और चोरी के कई मामलों में एक आरोपी बलमुरुगन वियोर सेंट्रल जेल के ठीक सामने से शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। आरोपी अदालत में पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा था। वियोर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि वे कथित तौर पर चोरी और लूट के 50 से ज्यादा मामलों में आरोपी हैं। इन सभी मामलों में से ज्यादातर मामले तमिलनाडु में दर्ज हैं। अधिकारी ने बताया कि पुलिस आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि अपराधी उस पुलिस वाहन से कैसे भागा जिसमें उसे जेल ले जाया गया था। अधिकारी ने यह भी कहा कि केरल पुलिस ने भी अपराधी का पता लगाने और उसे पकड़ने के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया है। तमिलनाडु स्टेट ब्यूरो चीफ दीपा राम प्रजापत की रिपोर्ट।